कांग्रेस नेतृत्व ने भले ही अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया हो, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 4,31,00,000 राम नाम लिखे पत्रों को अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी के उत्सव को ध्यान में रखते हुए छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति ने 21 दिनों का श्री राम महोत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव में संस्थान लोगों को राम नाम के पत्रक बांट रहा है। इसमें राम भक्तों और लोगों से 108 बार राम लिखकर वापस देने के लिए कहा जा रहा है। समिति की कोशिश है कि राम नाम के इस रिकॉर्ड संग्रह को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान ही अयोध्या पहुंचाया जाए। छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का प्रबंधन इसी समिति के हाथ में है। कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ इस समिति के संरक्षक हैं। ये मंदिर भी कमलनाथ ने ही बनवाया है। श्री राम महोत्सव के दौरान छिंदवाड़ा जिले में राम रक्षा स्रोत की पुस्तिका भी बांटी जा रही है। इस पुस्तिका के कवर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की तस्वीरें छपी है। तो वहीं आपको बता दें कि 7 जनवरी को छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने भी समिति के इस आयोजन में हिस्सा लिया था। पत्रक पर 108 बार राम का नाम लिखा। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए नकुलनाथ ने कहा था कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आने वाले समय में छिंदवाड़ा से 4,31,00,000 राम नाम लिखे पत्रकों को रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार ये रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ लोकसभा में भी जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। मारुति नंदन सेवा समिति के श्री राम महोत्सव में पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए थे। 10 जनवरी को सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर कमलनाथ ने 108 बार राम नाम का पत्र लिखा था। उन्होंने उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद थे। अब कमलनाथ और नकुलनाथ के इस कार्यक्रम से जो है कई कयास लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का धर्म के प्रति झुकाव नया नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भी कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में 2 बड़े धार्मिक आयोजन करवाए थे। मारुति नंदन सेवा समिति के बैनर तले सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन हुआ था। इन आयोजनों में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस आयोजन के पीछे कमलनाथ के क्या राजनीतिक इरादे हैं, इससे वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये आयोजन कांग्रेस की रीति नीति से मेल नहीं खाता, लेकिन आयोजन की भव्यता से यही लगता है कि कमलनाथ अपने गढ़ को बचाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे आयोजन न केवल करवा रहे हैं बल्कि इसमें शामिल भी खुद हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा पर फोकस बढ़ गया है। बीजेपी के नेता यहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा समेत 29 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाना है। ऐसे में कांग्रेस खेमे में थोड़ी बेचैनी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।